फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा स्क्वायर। मेरा नाम खुशबू है और मैं वापस आ गई हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके जो कि सीटैट से रिलेटेड है। ये एक छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें आपके दो क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं। मैंने देखा है सब लोग कंफ्यूज रहते हैं, पूछते रहते हैं, तो उनका मैं इसमें आंसर दूंगी। तो जो पहला क्वेश्चन है कि जो सीटैट का सर्टिफिकेट होता है उसकी वैलिडिटी क्या होती है। तो गाइज, अगर आप सीटैट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, सपोज जिन्होंने 2018 में क्लियर किया है, तो नेक्स्ट 7 ईयर्स तक ये जो सीटैट का सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहेगा। मतलब कि नेक्स्ट 7 ईयर्स तक उनको ज़रूरत नहीं है कि वो एग्ज़ाम दें और उसी के बेसिस पे वो डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिस जहाँ पर भी, या प्राइवेट जॉब्स के लिए। आजकल काफ़ी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, स्कूल्स में मांगा जाता है सीटैट सर्टिफिकेशन, तो आप वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट 7 ईयर्स के लिए, राइट। अब जैसे डिपेंड है कि किसी ने बहुत पहले दिया हो सीटेट और उनका सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो 7 ईयर्स के बाद एक्सपायर हो जाता है, तो फिर नेक्स्ट 7 ईयर्स के लिए आपको दोबारा से वो एग्जाम देना पड़ेगा, जिससे कि नेक्स्ट 7 ईयर्स आपका फिर से वो सर्टिफिकेट वैलिड रह सके। इसका जो प्रूफ है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये सीटेट की वेबसाइट है। जब आप यहाँ पर जाएंगे इंपॉर्टेंट लिंक्स, तो आप यहाँ पर जब लिंक्स क्लिक करेंगे वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट, तब इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, द वैलिडिटी पीरियड ऑफ सीटेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट फॉर अपॉइंटमेंट विल बी 7 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इट्स रिजल्ट फॉर ऑल कैटेगरीज। मतलब सारी कैटेगरीज के लिए, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो या जनरल कैटेगरी हो, आपका जो वैलिडिटी पीरियड रहेगा वो 7 ईयर्स रहेगा डेट ऑफ डिक्लेरेशन से, जिस दिन से भाई डिक्लेयर हुआ है आपका रिजल्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो बहुत ही ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक जो पर्सन है, मतलब कोई भी जो इंसान है, वो कितनी बार सीटेट के एग्ज़ाम को दे सकता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका आंसर। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अ पर्सन कैन टेक फॉर एक्वायरिंग अ सीटेट सर्टिफिकेट। कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन या फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी कितनी बार भी एग्ज़ाम दे सकता है सीटेट का, जब तक वो उस एग्ज़ाम को पास ना कर ले, ठीक है। फिर उसके बाद है, अ पर्सन हु हैज़ क्वालिफाइड सीटेट में आल्सो अपीयर अगेन फॉर इम्प्रूविंग हिज और हर स्कोर। भाई, जब किसी ने सीटेट ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है, अगर वो चाहता है कि अपना स्कोर इम्प्रूव करें, मानिए जैसे कि अभी 90 मार्क्स आए हैं आपके, आप जस्ट पास हुए हैं, आपके 100 नंबर आए हैं, आप चाहते हैं मैं और अच्छे नंबर लाऊं, 120 लाऊं, 130 लाऊं, तो आप फिर से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और फिर से दे सकते हैं और अपने स्कोर्स को इम्प्रूव कर लेते हैं। पर जहाँ तक मैं आप जानती हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि सीटेट सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। अगर आपके 90 मार्क्स आ गए हैं, आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो वो एक सेफ स्कोर है, आपको दोबारा से एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आपने 120 स्कोर किया हो, चाहे 130 किया हो या फिर 90 किया हो, सिर्फ ये एक क्वालिफाइंग टेस्ट होता है जिसे पास करना ज़रूरी होता है। और आपकी इच्छा है, बाकी अगर आप चाहते हैं दोबारा देना, नए पैटर्न पे खुद को जज करना कि आपको कितना आता है, अपडेटेड रहना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लोग देते हैं बार बार एग्ज़ाम, तो आप दे सकते हैं, नया सर्टिफिकेट ले सकते हैं। एक लास्ट और एक चीज़ है कि भाई, हम किसी एग्ज़ाम, हम कहीं गए हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में या गवर्नमेंट जॉब के लिए, वहाँ हमने सीटेट सर्टिफिकेट कौन सा दिखाना है। अब भाई, हमने 4 बार सीटेट तो क्लियर कर लिया, 5 बार कर लिया, 6 बार कर लिया, अब हम सीटेट का सर्टिफिकेट कौन सा दिखाएं। आप कोई सा भी सीटेट का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, चाहे 2015 का दिखा दीजिए, चाहे 16 का दिखा दीजिए, चाहे 18 का दिखा दीजिए, बस वो वैलिड होना चाहिए। मतलब 7 ईयर्स की उसकी लिमिट होनी चाहिए है, एक्सपायर नहीं होना चाहिए है वो सर्टिफिकेट, और आप क्वालिफाई होने चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं है कि भाई आप कौन से ईयर का दिखाएंगे, आप कोई से भी ईयर के दिखा सकते हैं। सो गाइज, ये था एक छोटा सा वीडियो आप सबके लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख दीजिएगा, मैं उसका आंसर ज़रूर आपको दे दूंगी। बाकी आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी, लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।